फिर जी है पंजाब दे विच सिक्ख्या दे विच क्रांति लियाउण वाली सवेर है। अज दा सूरज जिहड़ा ओ पंजाब दे लखां विद्यार्थियों के भविख नूं चमकाउण वाला सूरज चढ़िया। असी माणयोग दिल्ली दे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी नाल जदों चोण प्रचार कर रहे सी तां असी नाल लोकां दे इह वादा कर रहे सी कि असी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों प्रिंसीपल हैडमास्टर विदेशों जाके पढ़ाई के नवें नवे तरीके जोड़े ने वो उन्होंने उतों सिखा के ट्रेनिंग दवा के लियावे ताकि वो अपने इतने कोलीग्स में आके जिन्हें बच्चों आके वो अपने तजर्बे जोड़े साझे कर जोड़े पढ़ाने तरीके अज दुनिया के बदल गए उस पंजाब जोड़ा अपडेट हो। दिल्ली तो पहले बहुत सारे टीचर जोड़े ने वो जाते रहे फिनलैंड भी जाते रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते रहे सिंगापुर जाते रहे। सो अच्छ पहला बैच 36 प्रिंसीपलों का वो अज सिंगापुर लिए रवाना होया और 6 तरीक तो लैके 10 तरीक तक इन्हों का ट्रेनिंग कैंप है 5 दिन का। उत्थे प्रिंसीपल्स अकैडमी है सिंगापुर के प्रिंसीपल्स अकैडमी सिंगापुर उत्थे इन्हों की प्रोफेसनल ट्रेनिंग होगी और बकायदा जिहड़े ने जिहड़े इंटरनेशनल प्रसिद्धि प्राप्त जिहड़े कोचेज ने वो इन्हां नूं नवें नवें तरीके पढ़ाउण दे नवें नवें तरीके बच्चों अगे वधाउण दे उन्हां दी सोच नूं बदल दे वो आके इत्थे सिखाउणगे। 11 तरीक नूं ये सारा बैच जिहड़ा वापस आ जाऊगा और साडा हैल्थ एंड एजुकेशन साडा पहले दिनों प्रायोरिटी सी। जिस तरह दिल्ली दे विच स्कूलों का कायापलट होया उस तरह असीं पंजाब दे विच स्कूलों का कायापलट करांगे और अरविंद केजरीवाल जी ने जो सुपना क्रांतिकारी एजुकेशन ते क्रांतिकारी हैल्थ सिस्टम जिहड़ा वो जिहड़ा सुपना उन्होंने लिया वो भी अज साकार होने जा रहा है ते पंजाब देश दे विच एक अलग स्थान बनाऊगा एजुकेशन के मामले सिक्ख्या के मामले। साढ़े कोल बहुत कमाल के टीचर्स ने टैलेंट की कोई कमी नहीं साढ़े कोल बहुत कमाल के स्टूडेंट ने टैलेंट की कोई कमी नहीं थोड़ा जिहा प्लेटफॉर्म की जब उन्होंने अपडेट करने की कमी सी जो कि असं अज तो आरंभ करती है कि अपडेट रहेंगे दुनिया नाल क्योंकि अज की डेट दुनिया एक पिंड बन गई है ग्लोबलाइजेशन करके जिथे अमेरिका के बच्चे जिथे नाइजीरिया के बच्चे जिथे श्रीलंका के बच्चे जिथे आस्ट्रेलिया के बच्चे सिंगापुर के हॉलैंड के बेलजियम फ्रांस के बच्चे पेपर देंगे ने वो एको जगह बन गई हूँ। सो पानी जिहड़ा एको पुल थलों की लंघन लग गया उत्थे जाके साडे बच्चे थोड़ा जा नर्वस फील कर जाते हैं जां थोड़ा जा पिछे रह जाते हैं कि आह चीज़ां सानूं पढ़ाई नहीं गई जिहड़ियां क्योंकि पेपर एक थां ते हो रहा है पर फैसिलिटियां उन्नियां नहीं मिली तो फिर असी ये फैसला किया कि 36 प्रिंसीपलों का जो पूरे पंजाब तो प्रिंसीपल चुने हुए हैं इस तरीके की प्लानिंग की कि जो 36 मुड़ के आएंगे उन्होंने पंजाब के स्कूलों में किस तरीके से भेजा जाना कि बाकी स्कूलों को भी ट्रेनिंग दे सकन आपके कोलीग्स आके पहले ट्रेनिंग हो फिर 36 का जोड़ा असी पद्धर का भी असी चैक रखा कि फर्क पिया उस तो बाद अगले बैच भी जाएंगे फिनलैंड भी जाएंगे बहुत सारे जितने भी टीचिंग ट्रेनिंग के कोई लेटेस्ट तरीके है असं कोई छड़ा नहीं तो एजुकेशन वास्ते असी बजट भी बहुत जोड़ा आने वाले बजट भी बढ़ा रहे हैं एजुकेशन का बजट। सो साडे पंजाब का कोई बच्चा जो कि जाए तो उन्होंने पूछा जाए तू कि पढ़िया हुआ जो कहे मैं पंजाब का स्टूडेंट हाँ पंजाब तो मैं डिग्री ली है तो ये जे इंटरव्यू लैन वाले ने उन्होंने भी पता हो कि मतलब जो पंजाब तो आया मतलब वो लेटेस्ट टैक्नीक्स है एजुकेशन दी लेटेस्ट पढ़ाई करके थी साढ़े सिंगापुर के एक अकैडमी है प्रिंसीपल्स अकैडमी जो कि बहुत वधिया तरीके चल रही है काफ़ी मुल्कों तो जिहड़े टीचर ने उत्थे ट्रेनिंग लैन आते हैं तो सिंगापुर IIT भी सिंगापुर के हैगी है जिसकी दिल्ली साड़ी कोलाबरेशन चल रही है एक IIT असी उत्थे खोली हुई है दिल्ली के सिंगापुर की कोलाबरेशन। सो सीखने वास्ते कितने भी जाया जा सकता कोई बड़ा छोटा नहीं सीख्या तो कितों भी जा सकता बट किसी बच्चे तो भी सीखा जा सकता। सो अज मैं बधाई भी दूँगा साडे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर हरजोत बैंस जी और साडे सैकटरी एजुकेशन और उन्होंने सारी टीम में कि उन्होंने इन्ना वड्डा इनिशिएटिव लिया तो अज सारी प्रिंसीपल जिहड़े मिलकर गए हैं वो यही कह के गए हैं जी कहीं जिंदगी सोचा नहीं कि इस तरह का भी सानू एक्सपीरियंस होगा कि असी आके अपने प्यारे बच्चों जिहड़ा वो अपना तजर्बा होर वधिया तरीके नाल जिहड़ा सांझा करके उन्होंने कुछ ना कुछ बनावांगे। सो जे माली जिहड़ा वह अपने बाग में चंगी तरह सिंजदा तो वो जिहड़े लाए हुए बूटे ने फल फुल ते छां दिंदे ने। सो असी अपने वालों कोई एफर्ट नहीं छड्डांगे पंजाब दे स्कूल नंबर वन बनाए बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह दिल्ली च होया इस वक्त दिल्ली के लोग जो प्राइवेट स्कूलों चो बच्चों हटा के सरकारी चला रहे हैं और क्योंकि दिल्ली के एक मजदूर का बच्चा एक तो बिजो बगैल का बच्चा एक जज का बच्चा इको बेंच से बह के पढ़ रहे हैं इको किताब पढ़ रहे हैं नहीं तो इतने बहुत फर्क सगा जे अमीर ने उन्होंने किताबा होर ने उन्होंने स्कूल होर ने उन्होंने टीचर होर ने गरीबों के जोड़े किताबा होर ने सिलेबस होर है। सो असी जो सब कुछ एक करता लैवल एक करता ये फिर लोग पंजाब आने वाले महीने मैं कह सकता कि पंजाब के लोगों
की मर्जी होगी, जो प्राइवेट पढ़ाने प्राइवेट पढ़ा लो, जो सरकारी पढ़ाने सरकारी पढ़ा लो, पढ़ाई कोई फर्क नहीं। हाँ, उधर फीस देनी पऊ, इधर फीस देना।